सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबल्लाह। अदब तो ये है जहाँ उनका नाम आ जाए, वहीं ज़ुबां पर दरूद ओ सलाम आ जाए। पंडित जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हाज़िर देखी है नज़रों ने गटा देखी है, टूट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है, टूट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। और आज सरकार ने ज़ुल्फ़ों को सवारा हो हाकिम ने भी मुअत्तर सी फिज़ा देखी है, तभी हाकिम ने भी मुअत्तर सी फिज़ा देखी है। और अपने चेहरे छुपाना ना मेरे आका बाद मौत के मरीजों ने शिफा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। और सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है, जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। साले सवाब और मौत, मौत क्या है? मौत ये एक ऐसा अटल फैसला है, अगर आप तारीखें बल्कि पूरी दुनिया की तारीख उठा के आप देखें तो हर जमाने में किसी न किसी ने किसी चीज़ का हर चीज़ का इनकार किया है, यानी लोगों ने अल्लाह को भी नहीं माना। ऐसे लोग भी आए जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार किया,
यानी हर चीज का इनकार किया है आज जमाने में, मगर मौत ये वाहिद अटल फैसला है, इसका इनकार आज तक कोई नहीं कर सकता। चाहे काफिर हो, यहूदी हो, या ईसाई हो, या मिर्जाई हो, कोई भी हो, हर बंदे को ये पता है इसने दुनिया में आना है, इसने दुनिया से जाना है। जो भी बंदा दुनिया में आया है जिनके पीछे दुआ करने वाले लोग, आज तो हम जनाजा पढ़ते हैं बगैर दुआ किए चले जाते हैं, या किसी की फौतगी में जाते हैं बगैर दुआ किए वापस आ जाते हैं। जो खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, जिन लोगों ने कुरान पढ़ा हुआ है या हदीस मुस्तफ़ा के साथ जिनका लगन है या तवज्जो है, उन्हें पता है दुआ की ऐसी इबादत है, खुदा के तरीके से हम दुआ हो तो इबादत, सारी इबादत का निचोड़ है ही दुआ, सारी इबादत का निचोड़ क्या है बोलिए, दुआए। अगर हवाला गलत हो, हाथ तुम्हारा गिरबान मेरा है, अगर हवाला ठीक हो तो समझ लो लोगों, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें वो अकीदा दिया है जो कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी नबी आए सारे मासूम अनिल सताएं कब्रों के अंदर जाएगी, गुनाहों का ढेर लेके जाएगी, कब्रों से उठेंगे गुनाह नहीं होंगे, अल्लाह की बारगाह में सवाल करेंगे, ए मालिक हमारे गुनाह कैसे मिट गए, हमारे गुनाह कैसे मिट गए, जवाब आएगा बिस्तिगफारिल मोमिनीन। मुस्लिम की हदीस है और हदीस भी सही है, हमें जब इंसान मरता है तो सारे अमल खत्म, क्या मतलब आज दीगर हमारे
रास्ते पे चलते रहेंगे, कोई दुआ करेगा ना करे अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। दूसरा औ इल्म युनतफउ बिही, या ऐसा इल्म, ऐसा आलिम मरा, या ऐसा बंदा जिसने इल्म नाफे पढ़ाया था, कुरान या हदीस का इल्म, जब तक उसके स्टूडेंट उसके शागिर्द वो कुरान पढ़ते रहेंगे या पढ़ाते रहेंगे, फरमाया उसको कब्र में उसके दर्जात बुलंद होते हैं। ये दूसरा है। तीसरा औ वलदन सालिहन यदउ लहु, ये मेरे ख्याल में मलक सब बैठे हुए उनके भाई हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के लिए फरमाया, क़यामत तक आने वाले जो भी अपने वालिदैन के लिए दुआ फरमाएंगे, फरमाया औ वलदन सालिहन, ये नेक औलाद। देखे ना औलाद तो बहुत सारी होती है, लेकिन हदीस के भी अंदर आते हैं कि औ वलदन सालिहन, नेक औलाद जो अपने मरने वालों के लिए दुआ करेगी। फरमाया वो दुआ यहां बैठकर करेगी, अल्लाह मैयत के दर्जात को कब्र में बुलंद फरमाए। ये तीन चीजें अल्लाह के नबी ने की हैं। फरमाइए हदीस के अंदर, सदका जारिया करके जाओ या ऐसा इल्म छोड़ के जाओ जिसका आपको फायदा हो, या ऐसी औलाद जो आपके जाने के बाद आपके लिए दुआ करे, तो दुआ ये करेंगे अल्लाह दर्जात उनके बुलंद फरमाएगा। इसलिए लोगों याद रखो, हम सब ने दुनिया छोड़ जाना है। जनाब आदम से लेके आज तक कितने बड़े बड़े अंबिया आए, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम छोड़ के चले गए, चूंकि अल्लाह का वादा है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़त मौत, अगर जो वो जिंदा हैं सब ने चले जाना है, लेकिन दुनिया में ऐसे रहें ताकि लोग बाद में आपको याद रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए आले ला 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 ला, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। ला 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 ला।